तो अगर मैं आपको पूछूं दुनिया में सबसे अच्छे दिखने वाले इंसान का नाम बताओ, तो पहली चीज जो आपके दिमाग में आएगी बड़ा आपको जानकर हैरानी होगी, ये 7 लोग नहीं बल्कि 8 लोग हैं। या सोचो कौन सा मेंबर होगा वो, क्या कौन हो सकता है, क्या वो जैन मलिक हो सकता है? नहीं, जैन मलिक तो है नहीं, दूर का रिश्ता नहीं है। ओ हाँ, आपने सही सुना, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये है किम थोंग। अरे क्या यार उसका प्रोनाउंसिएशन क्या, किम थियोंग। अब ये बंदा अपने आप से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है ना यार उतना तो कमलेश भी अपने आप से ऑब्सेस्ड नहीं होता होगा। सीरियसली यार, जेन्युइनली, नहीं तुमको विश्वास नहीं हो रहा ना, आ जाओ मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ। अच्छा है ना अंधा हूँ। ये बंदा इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है खुद से कि इसने अपना इंस्टाग्राम का आईडी भी किम थोंग वोंग रखा है। अच्छा तुमको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है खुद से सेल्फ ऑब्सेस्ड है? ये देखो तुम देखो। ऑब्वियसली इसे देखकर कोई भी बोलेगा ये इंडियन नहीं है, भारतीय है ये। यू आर नॉट जी, देखो ध्यान से देखो यार, मैंने अगर तुमको बोल दिया बीटीएस का 8वां बंदा है तो इसका मतलब थोड़ी ना ये कोरिया का हो गया है, तो इंडियन ही ना। और मैं लिख के देता उसको कोई बोलता नहीं रहेगा, ये खुद से बोलता है खुद को। वैसे भी इसकी हेयर स्टाइल कोरियन वाले तो रहते हैं। वेयर इज योर सोलमेट? अरे मैं बताता हूँ ना यार, कहाँ से है तेरे सोलमेट? मौशी जी इधर। मम्मी इंडियन के सपने देख रहे हैं और उनका बेटा जापान के सपने देख रहा है, जापान की महिला, और खुश तो ऐसा हो रहा है जैसे अभी इसके सामने नारी ला के रख दिया हमने। मैं बताता हूँ भाई तेरी सोलमेट कहाँ है। जॉलाइन फ्लेक्स प्लस इट्स ट्रेंडिंग। वाओ, जॉलाइन तो सभी को होते हैं, मुझे भी है, नंबर एक। लेकिन आज आपको मैं दिखाऊंगा दुनिया का सबसे शार्पेस्ट जॉलाइन। ना ही वो जैन मलिक के पास है, ना ही वो किम थियांग फोंग के पास है, वो है इस शख्स के पास। तू ही ये मुझको बता दे। यस, अब हम जानेंगे इस बंदे के सिंगिंग स्किल्स को, जो कि लिटरली में बहुत ज्यादा अच्छा है। ये बंदा एक मल्टी टैलेंटेड बंदा है, एक गुड लुकिंग के साथ, BTS का 8th मेंबर होने के साथ ही साथ, और बहुत अच्छा सिंग करता है यार, क्या ही बताऊं मैं, जरा देखो। Yeah, we can dance until we die, you and I, we'll be young forever. सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है ना like I'm living a teenage dream. जिंदगी में अगर गलती से भी इतना कॉन्फिडेंट आ गया ना, माँ कसम कह रहा हूँ 100 मिलियन सब्सक्राइबर रीच कर जाऊंगा। और पहली बात, इसको कोई सलमान खान का ऑटो ट्यून ला कर दो यार। अबे उबले हुए अरिजीत सिंह, फ्राई किया हुआ अतीफ असलम, बूंदी के लड्डू के हैरी स्टाइल्स, बस भाई ग्रामी तुमको ही मिलना है अब। Keep your eyes on mine. And if you want, I'll tell you lies. अच्छी खासी सॉन्ग, क्यों खराब करने तुझे? क्यों? तू ढिंचाक पूजा है या KRK है या आने वाला कल है, क्या है भाई तू? क्यों, किस लिए? Cover moves that in my direction. Just like before, there's such a place in the end. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are. You are. ये गाना सुनने के बाद जैन मलिक डक स्टिल डाउन 2 लाने वाला है। हाँ, जिसको गाना जैन मलिक ने ये गाएगा। He's coughing क्या क्या क्या, एक मिनट, वो लास्ट वाली लाइन मुझे वापस सुननी है। हेलो, हाँ सुन ना, डॉक्टर के पास जा रही है? क्यों, 40 किलो बढ़ाने जा रही है? क्या मजाक कर रही है यार, ऐसी क्या नौबत पड़ गई? अच्छा तूने भी देखा वो? मैंने सुना था प्यूबर्टी सबको हिट करती है एक एज पर आने के बाद। इस बंदे को भी प्यूबर्टी हिट की है, बट फर्क ये था कि लाइट की स्पीड से हिट कर दी, एंड उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट बना वो उसका पूरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो गाइस बहुत बुरा हुआ मेरे साथ यार, बहुत बुरा। क्या मजाक कर रहे हैं, ब्रेकअप कर रहे हैं?
कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। मैं जिस लड़की को 6-9 days से डेट कर रहा था, उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया यार। इस टाइम पे अपना गाना सुना देता। ये सुना देता ना, फिर तो डाइवोर्स करके चली जाती। या ये उसी के साथ एक सिग्मा भी है जो कि एंटीटेट की राह पे चलता है। न्यू ईयर बग्जी का कॉल मत काटो यार, नहीं तूने ऑलरेडी मुझे इंस्टा व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। कॉल मत काटो यार, मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। चल निकल। अच्छा आंख कहीं डोनेट होती है? नहीं वो मुझे करना है, ये मेरे दो कंचों को डोनेट करना है। पता नहीं क्या। अब बारी है कबीर सिंह को देखने की। कबीर सिंह इन 144p। कितना बेचैन होके सिगरेट के नाम पे फर्स्ट ऑफ ऑल नल्ली चूस रहा है और धुआं के नाम पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा है और अल्कोहल के नाम पे पानी पी रहा है। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। की बात हो रही है यहाँ पे। बुक्स BOOKS बुक्स। यप बटरफ्लाइज। इसको बटरफ्लाइज क्यों आते हैं? इसके वाई क्रोमोसोम्स मिसिंग है क्या? लड़का है ना भाई।